भदोही में बीते दिनों चाकू से एक युवक की हुई निर्मम तरीके से हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक युवक के तीन दोस्तों को अरेस्ट कर लिया है। 3,000 रुपए के लेन देन में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये घटना चौरी थाना क्षेत्र के गोहिलाव गांव की है। बताया जा रहा है कि 35 साल के अनुराग पटेल को 12 अगस्त को किसी ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। जब वे बाइक से फोन करने वाले शख्स से घर से मिलने के लिए निकला था, कुछ समय के बाद परिजनों को जानकारी हुई कि घर के पास खेत में युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा है। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार युवक चौरी क्षेत्र में ही छोटे स्तर पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वहीं SP डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि घटना के समय आकाश अपने दो दोस्तों को साथ लेकर आया था। पैसे के लेन देन को लेकर अनुराग का अपने दोस्तों से झगड़ा हुआ। इस दौरान अनुराग ने अपने पास रखा चाकू निकाल लिया। उसी चाकू को छीनकर उसके दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। 12 और 13 की रात्रि को लगभग 1 बजे पुलिस को यह सूचना मिली थी कि अनुराग पटेल नाम का व्यक्ति जो थाना चौरी का रहने वाला है उसकी हत्या कर दी गई है। तो पुलिस ने इसमें फिर तत्काल जो है टीम गठित करके और इसमें CDR के लिए भेजा था और इसमें गांव के ही तीन और जो लड़के थे उन्होंने ही इसकी हत्या की थी और हत्या करके फिर ये वहां से निकल गए थे। पुलिस की टीम ने छानबीन की और गांव के जो तीन लड़के थे आकाश, अमन और राजन, इन तीनों ने घटना को अंजाम दिया था। इसमें तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो चाकू जो प्रयोग हुआ है, जो आला कत्ल है, वो भी बरामद कर लिया गया है। वजह कहती हूँ क्या कारण जी, पूछताछ के दौरान ये हमें ज्ञात हुआ है कि 3,000 के मात्र उधार के लेन देन का मामला था, जिसके कारण कि ये जो मृतक है उसने फ़ोन करके इन लोगों को बुलाया था, आकाश को बुलाया था। आकाश से इसके 3,000 की इसने इसको पैसे दिए थे और इसको वापस मांगने के लिए बुलाया था, तो इसी बात पे इनकी कहा सुनी हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब केसरी TV के लिए भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।